दोस्तों नमस्कार। आज उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि पेयजल निगम में चार आदिवासी अभियंता जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र जो थे या जाति प्रमाण पत्र जो थे वो फर्जी थे, मतलब वो लोग उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं थे और उत्तराखंड के पदों पर जो पद उत्तराखंड के लोगों के लिए विज्ञापित थे उन पर उन्होंने एक तरह से कब्जा किया हुआ था। उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो MD पेयजल निगम है उन्होंने उन्हें नोटिस जारी किए हैं कि आप अपना पक्ष रखिए, अदरवाइज आपको सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप CEO भी हैं PMGSY। और सबसे पहले पेयजल के संबंध में बात कर लेता हूं। सर, एक बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं सभी लोग कि इस तरह की कार्रवाई जनरली उत्तराखंड में यहाँ पे सचिव स्तर पे इतना दमखम नहीं दिखाई देता कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कम से कम नोटिस तो आपने जारी किए, तो ये मामला काफ़ी पेंडिंग था और यहाँ पे आरोप यह है कि पेयजल निगम में JEE से लेके AE से लेके EEE से लेके और HCN तक यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं पदों पर जिन पदों पर अधिकार उत्तराखंड के लोगों का था, मतलब उनके मूल निवास या तो फर्जी हैं या जाति प्रमाण पत्र गड़बड़ है या महिला आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं के लिए था और UP बिहार और तमाम जगह से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी जो आपने कार्रवाई की है ये संज्ञान आपको कब आया? देखिए, मैं लगभग 2 वर्ष से पेयजल निगम का MD हूँ और MD बनने के लगभग 3-4 महीने बाद ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था और ये प्रकरण संज्ञान में आया कि इसके लिए जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और जांच अभी वो कर रहे हैं। मैंने जांच अधिकारी से कहा कि जांच आप शीघ्र से शीघ्र दें। उन्होंने अपनी जांच दिया और जांच देने के बाद फिर उस जांच के आधार पर जो रिपोर्ट शासन को भेजी जानी थी वो रिपोर्ट जो फैक्ट था वो हम लोगों ने तैयार करके शासन को भेजा। शासन चूँकि ये भर्तियाँ आज की नहीं हैं, ये भर्तियाँ 2005-06-07 की हैं जिनकी नौकरी लगभग 15 साल पूरी हो जाए, तो उसमें 2-3 स्तरों पर दिक्कतें थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया कायदे से ये चयन समिति की जिम्मेदारी थी कि वो सारी चीज़ों को देखे, आरक्षण के नियम क्या हैं, क्या आरक्षण के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है वो पात्रता में आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया चयन समिति को इसको चेक करना था और अगर कहीं चयन समिति से कोई चीज़ ओझल हुई, उसके बाद जब संज्ञान में आया तो कार्यवाही की गई। फिर शासन स्तर पर इसका परीक्षण कई सेक्शन से होता है, फिर लाभ विभाग से भी हुआ होगा, फिर हमारे पेयजल विभाग से ये हमें हमारी जो जांच थी उसके उसमें ये रिपोर्ट भेजी गई कि इन पर ऐसी कार्यवाही इन नियमों का पालन करते हुए करें। उसके बेस पर हमने नोटिस संबंधितों को दिया है कि आप 15 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि आप बाहर के हैं, आप यहाँ आरक्षण का लाभ लिए हैं जबकि नियमों में व्यवस्था नहीं है, जो चीज़ें लिखी गई हैं वो जवाब देंगे। जवाब देने के बाद उनके जवाब का परीक्षण करते हुए फिर अंतिम निर्णय पारित किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि अब अंतिम निर्णय पारित करने में बहुत समय नहीं लगेगा। अरे, जवाब देने के माने जवाब देंगे, हो सकता है जवाब देने में 1 हफ्ते देर कर दें, इससे ज़्यादा देर भी नहीं करेगा कोई, किसी को लेटर 1 हफ्ते देर मिला होगा, लेकिन ये अब बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जवाब प्राप्त होने पर और उनका परीक्षण करने के उपरांत। सर, ये क्या अंतिम नोटिस है ना या इसके बाद दूसरा या तीसरा नोटिस दिया जाएगा? नहीं, ये नोटिस बार बार नहीं दिया जाता, नोटिस एक प्रारूप में और अंतिम नोटिस है। एक ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि ये लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और कोर्ट में अप्रोच करेंगे, फिर लिटिगेशन में सालों साल मामला चलता रहता है और इस दौरान सेवा इनकी समाप्त भी हो जाएगी। क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है? अगर बन रही है तो क्या वहाँ हाई कोर्ट में भी आप लोग पैरवी के लिए तैयार हैं? देखिए, जो आपने एक संशय जाहिर किया है कि लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, तो देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर व्यक्ति को राइट है कोर्ट में जाने का। अभी तमाम लोग और भी निकाले गए जो इलीगली अपॉइंटेड या जिस तरह से गवर्नमेंट ने निकाला, लोग कोर्ट गए
कोर्ट से कोई राहत नहीं पाए, तो कोर्ट जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग जब कोई ऑर्डर पास करेंगे तो पहले तो उसको विधितः परीक्षण करा लेंगे कि हमारा ये आदेश जो जारी होने जा रहा है ये प्रॉपर है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर जारी करेंगे। और कोई कोर्ट अगर जाता है जाएगा तो हम लोग वहाँ पैरवी करेंगे, जवाब लगाएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी कह रहा था कि यहाँ पे छोटे पदों पर भी, जेई के पदों पर, एई के पदों पर, डबल एई के पदों पर, उसमें भी गड़बड़ है, मूल्यवास फर्जी है, जाति प्रमाण फर्जी है, या आरक्षण का गलत लाभ लिया हुआ है, ऐसे कम से कम सैकड़ों लोग बताए जा रहे हैं। क्या ये शिकायत भी आपके पास है? देखिए, चूँकि इसके जेई और इन सब के नियुक्ति अधिकारी मुख्य अभियंता मुख्यालय होते हैं और वो MD लेवल पर ऐसे मैटर आते भी नहीं हैं नियुक्ति से लेकर हर चीज़ में। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ संज्ञान में आएगी तो मैं ज़रूर निर्देशित करूँगा कि जो सही नियम है नियम के तहत कार्यवाही करें। सर, PMGSY का भी आप CEO हैं उसमें, और लगातार वहाँ पे भ्रष्टाचार के कई मामले हमारे पास आए हैं। एक तो सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तराखंड में बाहर से कई लोग जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, इस तरह के लोग यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, और ये उत्तराखंड के जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, पेटी ठेकेदार हैं, उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब काम करवा के उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें तमाम पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पहाड़ी जनपदों से खास तौर पे आ रही है। इन पे कैसे नकेल कसी जाएगी? दूसरा एक प्रकरण और भी है सर, अभी चिन्याली सौड़ में, वहाँ पे आपके कोई एक वहाँ पे जो एक्सियन है वो अटैच हैं, सहायक अभियंता हैं, वो अटैच हैं, और वहाँ आए दिन वहाँ मारपीट हो रही है। एक वीडियो हमारे पास भी आया तो हमने उसे पोस्ट किया, उसके बाद वहाँ से हमें धमकियाँ आ रही हैं कि आपने कैसे वीडियो पोस्ट कर दिया। तो इस तरह के जो बातें आ रही हैं इस विभाग में, PMGSY में, एक भ्रष्टाचार के, बड़े भ्रष्टाचार की, उसके खिलाफ क्या रणनीति है? क्या चीफ इंजीनियर को निर्देशित करेंगे, कोई वार्ता करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक PMGSY की बात है तो PMGSY में आज की डेट में पहली चीज़ तो अब काम बहुत कम बचे हैं। मुश्किल से आज की डेट में लगभग 500 से 550 किलोमीटर सड़कें बची हैं जिससे गांव जुड़े जाने हैं, और लगभग 160 ब्रिज जो लास्ट में 2 साल पहले स्वीकृत हुए थे वो काम है। आज की डेट में काम चल रहे हैं। देखिए, जहां तक शिकायतों की बात है, आपकी ये बात जो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो बाहर के हैं वो यहाँ पर टेंडर ले लिए और लोकल लोगों से पेटी कॉन्ट्रैक्ट करके काम करा लिया और पैसा नहीं दिया, तो देखिए दो चीज़ें हैं। अगर ये ऐसे मैटर कभी संज्ञान में आते हैं मुख्यालय लेवल पर तो हम तुरंत चीफ इंजीनियर मुख्यालय को कहते हैं, क्योंकि PMGSY में सारी टेंडरिंग, सारा काम मुख्य अभियंता स्तर से ही होता है और वही फाइनल अथॉरिटी हैं। बट अगर कोई चीज़ हायरअप अधिकारी होने के नाते, हायर अथॉरिटी होने के नाते मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं ज़रूर उनको डायरेक्ट करता हूँ कि ये देखिए ये चीज़ें आई हैं, इसका समाधान करके मुझे अवगत कराइए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि करप्शन के इस तरह की, अगर आप देखिए तो इतने बड़े सेटअप में और जहाँ पर कि हजारों सड़कें एक समय में बन रही थी तो तमाम चीज़ें कभी कभी आती थी, लेकिन जो संज्ञान में आता था उस पर हम लोगों ने प्रॉपर एक्शन लिया है। और आपने चिन्याली सौड़ की बात कराई है, इस पर मैंने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया है कि देख लीजिए, अगर कोई हल न निकले तो फिर प्रस्ताव प्रस्तुत करिए, शासन से उसके लिए फिर व्यवस्था कराई जाएगी, चाहे दूसरा अधिकारी जाए या डिवीज़न कहीं शिफ्ट कराना पड़े, जो भी उचित होगा वो कार्यवाही की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की कार्यशैली आपकी है और आपने बहुत स्पष्ट जवाब भी दिए हैं कि अगर भ्रष्टाचार या किसी तरह की भी शिकायत आप तक पहुंचेगी तो निसंदेह आप उसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जागो उत्तराखंड के लिए देहरादून से आशुतोष नेगी।